तुम अभी देख रहे हैं आप बाबा दर्शन न्यूज। आज सासाराम में यूरेका होटल है और उसी यूरेका में आज एक प्रोग्राम है जो यूरेका मैरिज हॉल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जमुहार की तरफ से जो है सामाजिक संगठन स्वास्थ्य सेवा जागरूकता अभियान के सौजन्य से काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये प्रोग्राम मतलब आज जो प्रोग्राम है वो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और काफ़ी लोग देखने वाली चीज़ है कि काफ़ी संख्या में मरीज यहाँ आए हुए हैं। साथ साथ जो है शिविर में जो है जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, प्रसूति एवं स्त्री रोग, नाक कान एवं गला, इन तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ किन किन चीज़ों के जांच की सुविधा है। तो पहले हाइट, वेट, बीपी, ईसीजी, सीबीसी और ब्लड शुगर रैंडम की भी जांच हो रही है। अब सवाल पैदा हो रहा है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज के जाँच का जो है कैसे कैसे सब हो रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में आज का कार्यक्रम जो है, जो बेचारे बीमारी के संबंधित हैं और नारायणी मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ कैंप लगवाया है, एनजीओ की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा है और लोग अपना आकर के चेक करा रहे हैं। फीस नहीं है, सब चीज़ यहाँ पर फ्री हो रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। काफ़ी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं कि सबका इलाज यहाँ पर चेकअप फ्री में हो रहा है। सबको जो है जिसका आयुष्मान कार्ड है उसको जो है ना फ्री के लिए हॉस्पिटल में निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आइए, सब आपका जितना इलाज है फ्री में होगा। डायरेक्शन दिया जा रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है और बहुत सफल कामयाब ये प्रोग्राम है। और इस तरह से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि हमेशा कैंपस लगना चाहिए, जिससे गरीब बेचारे जो फीस नहीं दे सकते हैं, हॉस्पिटल जाने में असुविधा है उनके लिए, वो सब यहाँ पर आकर करके अपना जांच करवाएं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अनवार खान नाम है। आया गया है नारायणी मेडिकल की जानिब से कि आज जो है जो लोग बेचारे माजूर हैं, गरीब हैं, जो किसी से संपर्क नहीं कर सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं पैसे की तंगी की वजह कर, तो वहाँ फ्री में यहाँ जांच हो जा रही, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि इस तरह के कामों को बहुत फ़र्ग देना चाहिए। वो जो है समाज में जो है दबे कुचले लोग, गरीब लोग इसी से मुस्तफ़ होंगे। मेरी कामना है कि ये संस्था और आगे बढ़े और गरीबों की मदद को आगे आए। हैं जो नारायण मेडिकल के मार्केटिंग ऑफिसर हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सौजन्य से हमारे चौखंडी सासाराम में एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पे जो भी पेशेंट आ रहे हैं, अभी तक 200 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे सीबीसी, बीपी, शुगर और दवा वितरण बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा हमारे यहाँ जमुहार में नारायण मेडिकल कॉलेज में ANC की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख और 22 तारीख को हमारे यहाँ हेमोग्लोबिन, यूरिन कंसल्टेशन, वैक्सीनेशन, अल्ट्रासाउंड ये कम्प्लीटली फ्री हो रहा है। तकरीबन 1500 से 1600 रुपये का जांच जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, ये हर महीने की 9 तारीख और 22 तारीख को होता है। और भी कोई प्रोग्राम के अलावा हम लोग के यहाँ हर मतलब क्षेत्र में पंचायत में अभी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का भी काम चल रहा है, जिसके तहत हम लोग का जो बस है ट्रांसपोर्टिंग का, वो वहाँ जाकर पेशेंट को हम लोग के यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज में लाते हैं और वहाँ पे भी हम लोग का परामर्श निःशुल्क होता है और वहाँ जो जाँच होता है वो भी बिल्कुल निःशुल्क होता है। उसमें है 4 कैटेगरी बांटी गई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उसके अलावा जो 14 बरस से ऊपर के जो पुरुष हैं,
और महिलाओं में 14 बरस से ऊपर जो महिलाएं हैं और बच्चे जो 0 से 14 साल तक के बच्चे हैं उसमें जो भी जांच है हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। और वापस पुनः ये जांच करा करके उस पेशेंट को हम लोग फिर वापस गांव में छोड़ते हैं। ये हम लोग लाके मतलब बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट को गांव से ला करके वापस फिर हम लोग उस गांव में जाकर पेशेंट का इलाज करा के परामर्श करा के और वापस पुनः फिर हम लोग उस गांव में जाकर छोड़ते हैं। रंजीत गुप्ता जी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दिया और हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीज़ फ्री चल रही है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि सिंह है, मैं स्त्री रोग विभाग से हूँ। ये चमोहार में जो मेडिकल कॉलेज है हॉस्पिटल नारायण मेडिकल हॉस्पिटल, उनकी तरफ से हम लोग हैं और यहाँ शिविर लगाया है। आज काफ़ी मरीज आ रहे हैं, मैं स्त्री रोग विभाग से हूँ, इसके भी कई मरीज आए हैं यहाँ पे। क्या नाम? सुमित रंजन नाम है। और किस डिपार्टमेंट से हैं? सर्जरी विभाग। ओम प्रकाश यादव, सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। सर्जरी यहाँ हम लोग को कैंप के लिए बुलाया गया है, यहाँ हम लोग हमारे कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो भी यहाँ आसपास के लोग हैं उनको फ्री में इलाज दिया जा सके। सारे डॉक्टर साहब हम लोग आए हुए हैं वहाँ से नारायण मेडिकल कॉलेज से और फ्री में यहाँ दवा भी मिल रहा है। तो हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मरीज आ रहे हैं उनका बेहतर इलाज हो पाए यहाँ पर, हम लोग कुछ योगदान हो जाए समाज के लिए। देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा पेशेंट अभी जो यहाँ आ रहे हैं लो बैक पेन के आ रहे हैं, कि जिनको कमर में दर्द है, तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है कि उन्हें एकदम आगे की तरफ नहीं झुकना है। जिनके लो बैक पेन है, एकदम भारी वजन नहीं उठाना है उन लोगों को, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा। और जब भी करवट लेके उठे तो करवट टेढ़ा होके फिर करवट लेके उठना है, जब भी बिस्तर से उठेंगे वो तब, ठीक है। अपने दर्द के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जैसे पुराने ओल्ड एज मरीज हैं पेशेंट हैं वो आ रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा क्या प्रिकॉशन रखनी है? सबसे ज़्यादा उन्हें प्रिकॉशंस रखनी है घुटनों के दर्द में कि उन्हें चुप्पू मुक्कू होकर नहीं बैठना है, मतलब लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना है। सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन उनको ये लेनी है। इंडियन टॉयलेट का यूज़ नहीं करना है उन लोगों को, ठीक। तो ये चीज़, ये सावधानियाँ उनको रखनी, क्योंकि दर्द की दवा तब तक काम करेगी जब तक दर्द की दवा आप खा रहे हैं। मेन है प्रिकॉशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं इसे, जो नी की कंडीशन है, नी में पेन होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर विवेक है, मैं ऑर्थो पीजी 2 हूँ नारायण मेडिकल कॉलेज में। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? हम नेत्र रोग विभाग से हैं, ऑफ्थाल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। 40 मरीजों को हमने देख लिया होगा अभी तक। बरसात में अपने आँखों पे गंदा कपड़ा और गंदे हाथों को डालने से बचे, और खाने में थोड़ा सा स्वस्थ खाना खाएं, उसमें परहेज करें, बाहर का खाना अवॉइड करें। अभी हमारे पास जो है अरमान खान है, उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि आज जो यूरेका मैरिज हॉल है उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद, बाबा दर्शन न्यूज़ को धन्यवाद। ये नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और सामाजिक संगठन जो हमारा स्वास्थ्य सेवा जागरूकता अभियान है उसके सौजन्य से निशुल्क मेगा कैंप हम लोगों ने लगाया है, जिसमें दवा और चिकित्सा और जांच, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने अपने सोसाइटी को देने के लिए प्रयास किया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और हम लोगों का उद्देश्य है कि माह में हर एक महीना में अलग अलग जगह पर शिविर लगाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठा सकें। शिविर में हम लोगों के पास करीब करीब 8-9 विभाग के डॉक्टर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोगों को देख रहे हैं, और अच्छा खासा लोग इस शिविर में आ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये हमारी टीम के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नाम है ये जावेद अख्तर साहब हैं, शुएब शाकिब हैं, ये हमारे सोनू पाल हैं, इधर प्रीतेश हैं, इधर शुएब है, इधर संजय हैं, हमारे वार्ड पार्षद लोग भी आए हुए हैं। लोग तो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। हाँ, ये हम लोगों का लगभग 8वां-9वां शिविर है। हम लोग लगातार एक साल करीब हम लोग को होने आ रहा है, अगले माह हम लोगों का एक साल पूरा हो जाएगा। हम लोग शहर के अलग अलग कोनों में शिविर लगाने का काम कर रहे हैं,
और इससे और ये देहात में भी आपका प्रोग्राम है जैसे इसके बाद हम ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बाद हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे। हम लोगों के पास बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो इस शिविर को लगाने के लिए काफ़ी उत्साहित भी हैं कि और हम लोगों का शुरू से यही उद्देश्य रहा है, इस संगठन का उद्देश्य रहा है कि हम लोग स्वास्थ्य के प्रति अपने शहरवासियों को जागरूक करें और उनको बताएं कि स्वस्थ ही सब कुछ है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में सब कुछ बढ़िया रहेगा और बाकी सब चीज़ आप लोगों के सामने आप देखें। अभी जो है जैसा कि हम रिपोर्ट अभी लिया, कम से कम 210 लोग जो है अभी तक जी लगभग, जहां तक हम लोगों का अनुमान है कि हम लोगों ने जो कोशिश की है कि 500 के करीब जो है शहरवासियों को हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि 500 के करीब लोग आएंगे। अभी 250 के करीब हो चुका है और अभी करीब करीब हम लोगों के पास 2-3 घंटे का समय है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 500 के करीब लोग आएंगे। इस बार जो है यूरेका मैरिज हॉल को इन लोगों ने चुना है और ये हॉल जो है काफ़ी बड़ा है और हर जगह लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है, जांच की अलग व्यवस्था है, बड़े बड़े डॉक्टर अंदर में बैठे हुए हैं, उन लोगों की भी व्यवस्था है। इसलिए इन लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी एफर्ट किया गया है इस कार्यक्रम को कराने के लिए। मेरे सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।